will do last 5 questions of exercise 5J. Okay? Chapter का नाम क्या था? Fraction and fraction chapter था. Okay? तो अभी तक हमने क्या सीखा? Fraction का addition सीखा, subtraction सीखा, like fraction क्या होते हैं, unlike fractions क्या होते हैं, fraction number का comparing भी किया, comparison भी किया. Now word problems हम कर लेते. Question number 6 क्या है? The owner of a gift shop kept track of her sales and noticed that 3/8 of her sales occurred in the morning. अच्छा, morning में कितनी sales हुई उसकी? 3/8 means gift shop है, gift को sell कर रहा है, तो 3/8 part तो morning में sell किए, ठीक है? Afternoon में किया 7/10. Afternoon में 7/10 then and in evening में कितना किया? Evening में किया 3/16. Okay, ये. During what part of the day did most of her sales occur? मतलब morning में sell किया, afternoon में sell किया, evening में sell किया. मतलब डे के किस टाइम में उसकी सेलिंग ज्यादा थी, मतलब इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, हमें वो फाइंड करना है. अब देखो हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है. 3/8, 7/10 एंड 3/16. देन सिंपली सबका एलसीएम लो. क्या लो? एलसीएम. ठीक है, अब देखो एलसीएम लेते हैं हम यहां पर 3 10 16 2 3 5 8 2 3 5 4 2 3 5 2 2 3 5 1 1 5 1 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
ओके 8 टू 16 16 फाइव 80 80 थ्री 240 एलसीएम चेक करते हैं एलसीएम 8 ही आना चाहिए इसका 2 3 5 8 ओके 2 3 5 4 तो इसका अच्छा यहाँ पर 8 है अपॉन में हमने ये गलती कर दी यहाँ पर क्या है 8 है एलसीएम वापस लेते हैं देखो 3 को हम 8 को हमने 3 से रिप्लेस कर दिया था इसलिए अब देखो वापस चेक करते हैं 8 10 16 अब देखो एलसीएम क्या आता है 2 4 5 8 2 5 4 2 1 5 2 तो हमें सबका डिनोमिनेटर क्या बनाना है 80 बनाना है ठीक है क्या बनाना है 80 अब देखो 80 कैसे बनेगा डन अब इस एलसीएम क्या है 80 है ठीक है अब इसको किससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 80 बन जाएगा अब हमें पता है 8 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 80 बन जाएगा तो वो ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई होगा 10 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो ये बन जाएगा अब 16 अब देखो जैसे या तो 16 की टेबल आनी चाहिए अगर टेबल नहीं आती है तो कैसे एलसीएम के अंदर 16 का डिवाइड दो डिवाइड देना आता है तो डिवाइड दोगे तब जाएगा 5 टाइम्स 16 5 से 80 तो ये 5 ये भी 5 ठीक है अब आया 30 अपॉन 80 56 अपॉन 80 एंड 15 अपॉन 80 अच्छा अब देखो ये पार्ट कौन सा पार्ट था मॉर्निंग वाला पार्ट ये पार्ट आफ्टरनून वाला पार्ट और ये पार्ट इवनिंग वाला पार्ट अब देखो तो ये मॉर्निंग ये आफ्टरनून और ये इवनिंग अब देखो सबसे ज्यादा कौन सा है 56 भाई डिनोमिनेटर ऐड करो सबसे ज्यादा कौन सा है 56 तो आफ्टरनून में सेल सबसे ज्यादा हुई है डन इसी था क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर
सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है? ए मैन रीड 1/5 ऑफ ए बुक ऑन मंडे। देखो मंडे को कितनी रीड करता है, बुक रीड करता है पर्सन या मैन? 1/5 तो करता है मंडे को, 1 ट्यूसडे को करता है, ट्यूसडे को करता है 1/3 एंड वेडनेसडे को करता है 1/4। ओके अब देखो, ए मैन रीड 1/5 ऑफ ए बुक ऑन मंडे, 1/3 ऑन ट्यूसडे, 1/4 ऑन वेडनेसडे। What fractions remains to be read if there are 240 pages in the book? Then how many pages remain to be read? अब देखो, total books page कितने? Total page। अब देखो, ये question अच्छा है। 240। Total pages कितने? 240। अब देखो, आपको बताना क्या है? कि Monday को इतने read किए, Tuesday को इतने read किए, Wednesday को इतने read किए। तो टोटल जो बुक रीड की है पीछे कितना बच गया आपको ये बताना है कि पीछे कितने पेजेस बच गए हैं ना, हाउ मेनी पेजेस आर रिमेन। अब देखो सबसे पहली बात, अगर हम बुक्स के पेजेस का फ्रैक्शन निकालें तो फ्रैक्शन कितना वन बनेगा, टोटल वन था। अब वन में से हम अगर सब्ट्रैक्ट करें कितना पढ़ लिया है ना, वन में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे हमने कितने पेजेस पढ़ लिए, तो हमने कितने पढ़ लिए, 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/4, इतने पेजेस हम रीड कर लिए। अब देखो इधर कैसे होगा, अब देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, अब इस 60 का, इस 60 में 5 का डिवाइड दो कितना आएगा, 12 का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। इस 60 में 3 का डिवाइड दो कितना आएगा, 20 का 1 से मल्टीप्लाई, प्लस इस 60 में 4 का डिवाइड दो कितना आएगा, 15 का 1 से मल्टीप्लाई। डन, देन 1 - 12 = 12, 20 = 20 और ये 15/16। अब देखो वन, अच्छा अब देखो डिनोमिनेटर 60 है तो हम इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 60/60 लिखा, माइनस 12 + 20 = 32, 32 + 15 = 47/60। तो ये क्या बना, 60 - 47 = 13, मींस इतने पेजेस जो हैं वो बच गए है ना, ये तो फ्रैक्शन है, ये बच चुका है, ये फ्रैक्शन है। अब एक्चुअल में कितने बचे हैं, तो देखो 13/67 = 60 × 240। अब देखो फ्रैक्शन मींस ये उसका उतना पार्ट हो गया, तो 13/60 किसका पार्ट है, टोटल बुक का ही पार्ट है, टोटल बुक के जितने पेजेस है उसी का पार्ट है। देन 13/60 = 240, 0 × 6 = 6, 1 × 6 = 4, 13 × 4 = 52। तो पीछे कितने पेजेस बच गए, 52 पेजेस बच गए। अब एक और बात, अब आपसे पूछे कि हाउ मेनी पेजेस ऑन रीड ऑन मंडे, मंडे को कितने पेजेस रीड किए थे, तो क्या करोगे, 1/5 of 240। सिंपल सिंपल ट्यूसडे का पूछ ले, 1/3 of 240। देन नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, शेकर ड्रॉज अराउंड द ट्रायंगुलर फील्ड हुज डायमीटर्स आर शोन, हुज डायमेंशंस आर शोन, हाउ मच इज वन राउंड लेस, हाउ मच इज वन राउंड लेस देन 5 किलोमीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 को समझो, सेल्फ करना है, ठीक है। शेकर जो है ट्रायंगुलर शेप के गार्डन में दौड़ रहा है,
ये साइड 1:1.4 किलोमीटर, ये 2:1.8 किलोमीटर एंड ये 1:1.20 किलोमीटर. ओके, शेखर जॉग्स अराउंड द ट्रायंगुलर फील्ड हुज डाइमेंशंस आर शोन. हाउ मच इज वन राउंड लेस देन 5 किलोमीटर. अब देखो इस पे पूछा है कि ये जो इसका वन राउंड है वो 5 किलोमीटर से कितना लेस है, ये पता लगाना है. तो देखो बहुत इजी है, 5 किलोमीटर से कितना लेस है, तो 5 माइनस सम ऑफ ऑल दिस डिस्टेंस. तो ये 1:1.4, 2:1.8, 1:1.20, then 5 minus 5 upon 4, 17 upon 8 and 21 upon 20. पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो, इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, जो भी आता है वो इसमें से माइनस कर देना. ठीक है, डन. ओके, तो ये आपका होमवर्क रहेगा. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है. सुधीर वॉक 7/20 किलोमीटर मोर देन प्रेम, प्रेम वॉक 5/8 किलोमीटर लेस देन राहुल, सुधीर वॉक 3/5 किलोमीटर. हाउ मच डी. अब देखो देयर आर टू पर्सन सुधीर एंड प्रेम. अब देखो ये देयर आर टू पर्सन सुधीर एंड प्रेम. डन. सुधीर वॉक 7/20 किलोमीटर मोर देन प्रेम, प्रेम वॉक 5/8 किलोमीटर लेस देन रोहन, सुधीर वॉक 3/5 किलोमीटर. अच्छा ये कितना चला, 3/5 किलोमीटर. अच्छा ये प्रेम से ज्यादा चल रहा है, ठीक है, 7/20 किलोमीटर. ठीक है, तो प्रेम की रनिंग कितनी हो जाएगी, 3/5 minus 7/20. ठीक है, 3/5 मतलब ये 7/20 इससे ज्यादा था, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, इससे 7/20 लेस हो गई. डन. हाउ मच डिड रोहन वॉक. अब क्या एक रोहन भी है, रोहन एंड प्रेम. ठीक है, रोहन वॉक 5/8 किलोमीटर लेस देन, प्रेम वॉक 5/8 किलोमीटर लेस देन रोहन. अब जो प्रेम जो है, प्रेम जो है वो 5/8 कम चला है, किससे, रोहन से. तो सिंपल सी बात है, तो रोहन ज्यादा चला है प्रेम से. भाई अगर मैं बोलूं कि मेरे पास आपसे 20 रुपए कम है, तो इसका और क्या स्टेटमेंट बन सकता है कि आपके पास मुझसे 20 रुपए ज्यादा है. तो ये क्वेश्चन उसी तरीके से हुआ है. वापस क्वेश्चन को सुनो, सुधीर वॉक 7/20 किलोमीटर मोर देन प्रेम, प्रेम वॉक 5/8 किलोमीटर लेस देन रोहन, सुधीर वॉक 3/5 किलोमीटर. सुधीर 3/5 किलोमीटर. अब सुधीर जो है वो प्रेम से 7/20 ज्यादा चला था, तो ये भी तो बोल सकते हैं.